सबसे पहले ही आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखी मठ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका अपने YouTube चैनल हर्षित ब्लॉग में। तो चलिए जी, दिन की 1:30 बज चुकी है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई अपने गाँव मुखवा से। और अगर मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और अभी हम लोग पहुंच गए माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण में। और अभी हमारी तैयारी है हरसिल जाने की, तो आज पैदल ट्रैक करेंगे। तो हरसिल मुखवा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, वैसे तो गाड़ी आती है लेकिन हम लोग जा रहे हैं पैदल। वैसे तो हरसिल से मुखवा तक पूरी गाड़ी आती है लेकिन जो आज ट्रैक होने वाला है वो हम लोगों का पैदल होने वाला है। तो मेरे साथ जितनी भी पार्लर की हमारी स्टाफ की लड़कियां हैं, मेरे छोटे वाला बेटा है, तो हम पैदल ही जाएंगे आज। तो चलिए जी, पैदल चलते चलते अभी हम लोग पहुंच गए आधे रास्ते पे। तो अभी कोई जानने वाले मिले थे, उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा हरसिल तक गाड़ी में चलो, लेकिन नहीं, आज तो पैदल ही ट्रैक करना हरसिल तक। और यहाँ पे है भैरव देवता मंदिर, दर्शन कर लेते हैं। तो हमें मुखवा से हरसिल पहुंचने में आधा घंटा लगा, तो काफ़ी रुक रुक के आए हैं, बीच बीच में रुके हैं, कहीं वीडियोस बनाई, कहीं फ़ोटोज़ वगैरह शूट किया। तो ये 3 किलोमीटर है, पता ही नहीं चला कब पहुंचे। और जब मुखवा से चले थे तो मौसम एकदम साफ था, एकदम अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी। और हरसिल पहुँचते हैं बिल्कुल एकदम आसमान बिल्कुल पैक हो गया, बिल्कुल बादल ही बादल छा गए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हरसिल में और हरसिल पहुंचते ही हैं, अभी यहाँ पे कोई हमें मिलने आ रहा है तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद जाएंगे बगोरी घूमने के लिए। तो आप लोगों ने राम तेरी गंगा मैली फिल्म ज़रूर देखी होगी मंदाकिनी की, तो हरसिल में उसकी शूटिंग हुई थी और यहाँ पर भी कई जगह उसकी शूटिंग हुई। तो चलिए, जिसका मैं हरसिल में इंतजार कर रही थी वो है छोटा भुला श्रीकांत, और ये आज मुझे हरसिल में घुमाएगा। और इसका भी अपना YouTube चैनल है पर आज ये ब्लॉगिंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? आज मेरा दोस्तों मन ही नहीं कर रहा बनाने का। और आप इसका चैनल जरूर देखना। तो बगोरी गांव जाने के लिए रास्ते में लगभग 7 पुल पड़ते हैं, और 7 पुल जैसे ही खत्म होते हैं वैसे है लाल देवता का मंदिर और उसके बाद है बगोरी गाँव। और बगोरी गाँव को स्वच्छता एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे होंगे ये है बौद्ध मंदिर। तो यहाँ पे बगोरी में जो लोग रहते हैं वो बौद्ध धर्म को भी मानते हैं और हिंदू धर्म को भी मानते हैं। तो आप मेरे पीछे देखे हैं ये है बौद्ध मंदिर, और यहाँ पे मेरे साथ है श्रीकांत, तो श्रीकांत बताएगा बौद्ध मंदिर के बारे में यहाँ पे। हाँ दोस्तों, जो आप लोग ये देख रहे होंगे, जो इनकी भाषा में ये लिखा है, ये अलग लैंग्वेज है बट मेरे को इतना पता है क्योंकि हमें मेरे दादा लोगों ने बता रखा है। जो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है ओम मानी पेमे ओम। दोस्तों इसका मतलब है जैसे कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं ओम नमः शिवाय ओम, उसी तरह से इन लोग ये लोग बोलते हैं अपने प्रभु को ओम मानी पेमे ओम, जिस तरह से हम लोग भी बोलते हैं ओम नमः शिवाय ओम। और मंदिर से थोड़ा सा ही आगे निकलने पे इतने यहाँ पे प्यारे प्यारे से घर हैं जो कि पूरे लकड़ी से बने हुए हैं और बहुत अच्छी कारपेंट्री हो रखी है इनपे। और मंदिर से थोड़ा सा ही आगे निकलने पे यहाँ पे एक दीदी जी बैठी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भेड़ पालन किया जाता है तो भेड़ पालन करते हैं, तो ज़्यादातर जो यहाँ पे उलन कपड़े होते हैं जैसे स्वेटर है, टोपी है, ये लोग अपने हाथ से बनाते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ, और एकदम पेवर ऊन है। दीदी जी कितना बना लेते हैं आप, ये स्वेटर कितने दिन में बनती है? 4-5 दिन। अच्छा, तो ये ऊन आपने अपने आप निकाली हुई भेड़ से? हाँ।
अच्छा, तो ये गर्म भी अच्छी होती होगी ना। तो आप 12 महीने यहीं पे रहते हो? उत्तरकाशी ढूंढा रहते हो ना? अच्छा। और दीदी जी ने जितनी भी स्वेटर हैं, ये देखो, ये जुराफे हैं, ये टोपियाँ हैं, और ये 60 जुराफ हैं, सब अपने हाथ से बनाई हुई हैं। और मेरे साथ जितनी लड़कियाँ आई हुई हैं, सब देख रही हैं, किसी को पर्स पसंद आ रहा है, किसी को टोपियाँ पसंद आ रही है। प्रिया को तो वो पर्स पसंद आ गई। प्रिया दिखाना, वाह कितना प्यारा है, दिखा दिखाना। और बगोरी गांव जाते रास्ते में आपको कई उलन दुकानें मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ठंडा काफ़ी होता है, तो उलन चीज़ें सभी कुछ मिल जाती हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे दुकान है जिनपे कि गर्म कपड़े मिलते हैं। और यहाँ पे एक दीदी जी भी हाथ से बना रही हैं। दीदी क्या बना रहे हो आप? स्वेटर। और आंटी की सीख देखो जरा, अलग ही है। अच्छा दिखाइए एक बार, ये बहुत अलग प्रकार की है। दीदी के हाथ पे जो सिलाई है जिनसे दीदी जी स्वेटर बना रही हैं, दीदी जी कह रही कि मेरी कोई दोस्त अमेरिका में रहती है तो मैंने भी ऐसी सिलाई पहली बार देखी, हमारे पास हमारे यहाँ पे होती है तो लंबी वाली होती है। दीदी जी दिखाइए एक बार, और ये देखो आप, ऐसी वाली ये सिलाई है। और बगोरी गांव घूमते घूमते हम लोग थक गए, लेकिन बगोरी गांव भी ख़त्म नहीं हो रहा। काफ़ी बड़ा गांव है, बिल्कुल ऊपर से लेके और एकदम नीचे, मुझे लगता है यहाँ पे 600-700 परिवार रहते होंगे, है ना श्रीजान? हाँ इतने ही रहते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो बगोरी घूमते घूमते अभी आए हैं, यहाँ पे है रिंगाली देवी का मंदिर, लेकिन मंदिर तो आजकल बंद है, तो बाहर से ही दर्शन करेंगे। और ये जो सिद्धपीठ रिंगाली देवी का मंदिर है, ये चारों तरफ से इसमें सेब के पेड़ लगे हुए हैं, और सेब के पेड़ के बीच में ये मंदिर है। तो ये पूरा बगीचा है सेब के पेड़ों का, और वो सामने है मंदिर माँ भगवती रिंगाली देवी का। तो यहीं पे है फाटक माँ भगवती रिंगाली देवी का, लेकिन अभी तो कपाट यहाँ पे बंद है, तो ये खुलते हैं 5 मई को, जबकि गांव के सभी लोग आ जाते हैं, तो अभी यहाँ पे दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। बाहर से ही माथा टेक लिया, माता जी का दर्शन कर लिया बाहर से ही, और अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया, बिल्कुल आसमान गड़गड़ कर करने लग गया। मेरा बेटा और श्रीकांत चले गया गुच्छी ढूँढने के लिए, कि हो सकता है यहाँ पर गुच्छी मिल जाए। गुच्छी बोले तो जिनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जुमले, तो हो सकते मिल भी जाएगी, इस जगह पे होते हैं कि, क्योंकि जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे गुच्छी ज़्यादा पैदा होती है। और गुच्छी ढूंढते ढूंढते श्रीकांत मिली गुच्छी, एक मिल गई, मिल गई। आ जा जा, चीड़ के पेड़ की गुच्छी है दोस्तों। कुछ नहीं मिला। आसानी से नहीं मिलेगी भाई, बहुत मुश्किल से, क्या कर सकते हैं। और इन गायों को आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल हरा घास तो यहाँ पे बहुत कम है, तो जितने भी सेब के पेड़ों की कटिंग हुई होगी टहनियों की, तो यहाँ पे डाली हुई है, और ये गाय खा रही है इनको। और आप जो ये वाला पुल देख रहे होंगे, ये बगोरी से होते हुए सामने है छोलमी गांव, और साथ में ही है गंगोत्री नेशनल हाईवे, तो ये दोनों को जोड़ता है। और नीचे आप देख सकते हैं माँ भगवती गंगा जी, बिल्कुल आजकल एकदम नीला नीला जल है गंगा मैया का। और इस पुल के ऊपर जो मेरे साथ लड़कियाँ आई हुई हैं, कुछ रील्स वगैरह भी बना रही हैं। तो अभी जब हम आए थे तो हम दूसरे वाले रास्ते से आए थे, जो कि बगोरी गांव के बीचों बीच वाला रास्ता है। तो अभी श्रीकांत लेके जा रहा है, बिल्कुल गंगा मैया के किनारे किनारे से ये रास्ता है, तो यहीं से अभी जा रहे हैं। और अभी जा रहे हैं हर्सिल मार्केट घूमने के लिए, और मौसम वैसे तो हो ही रहा है ख़राब, अगर बारिश नहीं हुई तो घूमेंगे, और बारिश हो गई तो फिर थोड़ा श्रीकांत के यहाँ जाएंगे, और उसके बाद सीधे मुखवा चले जाएंगे। तो आजकल आप गंगा मैया का जल को देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम नीला नीला एकदम साफ। और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी वैसे गंगा जी का जल स्तर भी बढ़ेगा, और साथ में जो गंगा जल है वो भी एकदम मटमैला मटमैला हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी। और मानसून के टाइम पे आप जल स्तर देख सकते हैं ऊपर, जहाँ तक आपको ये पत्थर की चट्टान काली काली दिख रही होगी, वहाँ तक गंगा मैया का जल स्तर बढ़ जाता है। तो अभी जल्दी जल्दी से चलना पड़ेगा, क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई, और जल्दी जल्दी से हर्सिल पहुँचते हैं। तो चलिए जी, बगोरी से अभी हम लोग पहुंच गए हर्सिल में, और अभी हम आए हैं श्रीकांत लोगों के होटल में।
तो नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर इसमें कमरे हैं और ये अभी बन रहा है, बिल्कुल इसमें काम चल ही रहा है। तो श्रीकांत ने कहा दीदी आप आ रखे हो तो देख लो थोड़ा होटल में, तो हम लोग जा रहे हैं। और बहुत प्यारा बना हुआ बाहर से रूम, तो मैं अभी देखूंगी। पूरा इसमें लकड़ी का काम हो रखा है और ये बाहर बालकोनी है और एकदम जो ये होटल है बिल्कुल हर्षिल मेन रोड पे ही है। और बाहर बरामदे में ही जो आप ये सोफे देख रहे हैं ये बिल्कुल रिंगाल से बना हुआ है और आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी का ये होटल बना हुआ है। तो अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी लेके आ गया श्रीकांत बना के। तो अभी तो लाइट है नहीं, जैसे ही लाइट वगैरह आएंगी तो फिर मैं आप लोगों को रूम वगैरह भी दिखाती हूँ। पहले गर्मा गर्म कॉफ़ी पी लेते हैं और कॉफ़ी के साथ बिस्किट भी है। चलिए जी अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी भी पी ली। तो यहाँ पे लाइट तो अभी है नहीं, मैं आप लोगों को रूम दिखाती थी, लेकिन रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम बिल्कुल मेन हर्षिल रोड पे ही हैं और बहुत अच्छे कमरे हैं। इसमें 3 कमरे ऊपर हैं, 3 कमरे नीचे हैं। आप जब भी कभी हर्षिल में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आना, बहुत ही अच्छे कमरे आपको मिलेंगे। और नीचे कैंटीन वगैरह भी है, खाने की व्यवस्था वगैरह भी है। और पूरे जो ये रूम है ये पूरा लकड़ी का काम इसमें हो रखा है। और ये है श्रीकांत का प्यारा सा डॉगी, तो मैंने कई बार इसको वीडियोस में देखा लेकिन आज सामने देख रहा है, बहुत ही प्यारा है। हेलो जूली, इसका नाम। अच्छा जूली, जूली। और अभी हम लोग आए हैं श्रीकांत लोगों की यहाँ पे उलन कपड़े की शॉप है, तो कुछ बेटे को लेना है तो देखते हैं मफलर वगैरह इसको अगर पसंद आता है तो लेते हैं। और इस शॉप में बैठती है श्रीकांत की मम्मी जी और इसमें गर्म कपड़े जैसे जुराबें हो गई, टोपियाँ हो गई, उलन शॉल हो गए, सब गर्म कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे से ये मफलर ले लिया, बहुत ही अच्छा है और साथ में गर्म भी है। तो अभी हम जा रहे हैं मुखबा, मेरे हस्बैंड जी हमें लेने आए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत, इसने हमें पूरा बगोरी, अपना होटल वगैरह, अपनी दुकान वगैरह सारी जगह घुमाया, बहुत अच्छा लगा। अब ये नहीं आते रहना आप लोग, मैं भी आती रहूंगी, जब मुखबा आएंगे तो यहाँ पे रुकना तो होता ही हमारा हर्षिल में। ठीक है फिर है मुखबा आना, फिर मत करना। नहीं नहीं कुछ नहीं, बाय। ठीक है तो हर्षिल से अभी हम लोग पहुंच गए मुखबा। और जैसे मुखबा पहुंचे ना गाड़ी से उतरे तो काफी तेज बारिश भी होने लग गई। तो अभी हम लोग पहुंच गए घर पे और जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही बुखारी जलानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब हम लोग हर्षिल में भी थे तो काफ़ी तेज़ बारिश के साथ साथ काफ़ी हवाएं भी चल रही थी और मुखबा में भी ऐसी सेम मौसम हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया। मेरे साथ जो लड़कियाँ गई हुई थी इनको भी लग गया और जल्दी जल्दी से बुखारी जला लेते हैं। वैसे तो हर्षिल में कॉफ़ी पी थी लेकिन अब घर आके पहले गर्मा गर्म चाय पियेंगे। तो चलिए जी बुखारी भी अच्छे से जल गई और बुखारी के ऊपर सबसे पहले बना रहे हैं चटपटी मैगी और आज बुखारी के ऊपर ही बना रहे हैं हम लोग मैगी। तो चलिए जी मैगी खाने के बाद रात की लगभग 9:30 बज चुकी है और डिनर भी तैयार है और आज डिनर में बनाया हुआ है आलू न्यूट्रेला की सब्जी और अचार और रोटी। और अभी भी बाहर बारिश हो रही है तो आज का जो रात का टेम्परेचर है वो है लगभग 3 डिग्री और काफ़ी ठंडा हो रहा है। बुखारी में ही हम लोग बैठे हुए हैं और बाहर यहीं बुखारी के पास बैठ के खाना भी खा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय समेश्वर देवता, बाय बाय।